एक्सपायरी डेट का दूध यहां पर दिया जा रहा था। लापरवाही से जिला महिला चिकित्सालय में हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं सोशल मीडिया पर। अस्पताल का एक वीडियो भी वायरल हुआ, मरीजों को यहां पर एक्सपायरी डेट का दूध दिया जा रहा था, जिसके बाद जिला महिला चिकित्सालय में हड़कंप मचा हुआ है। तो बलिया से यह जानकारी है, जिला महिला चिकित्सालय में यह बड़ी लापरवाही का मामला है। जब एक्सपायरी दूध यहां पर दिया जा रहा था मरीजों को और एक्सपायरी था यह दूध, इसका एक वीडियो भी आपको बता दें कि खूब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और यह लापरवाही का मामला उजागर होने के बाद अब अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है। अस्पताल प्रशासन में हड़कंप है क्योंकि मरीजों को एक्सपायरी डेट का दूध दिया जा रहा था, बेहद खतरनाक हो सकता है, जो कि एक्सपायरी हो चुका था यह दूध और उसके बाद इसका किसी ने वीडियो बनाया जो कि खूब वायरल हुआ और अब जिला महिला चिकित्सालय में इसको लेकर के हड़कंप मचा हुआ है। तो बड़ी जानकारी है बलिया से, जिला महिला चिकित्सालय का यह मामला है जहां पर एक्सपायरी डेट का दूध यहां पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। देखिए यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वो पैकेट है लो फैट मिल्क का जिसमें डेट आप देखेंगे तो निकल चुकी है और एक्सपायर हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद महिला चिकित्सालय में आप देखें कि ये जो दूध है वो मरीजों को उपलब्ध करवाया जा रहा था और इसका वीडियो वायरल हुआ। लोगों ने इसको लेकर के आवाज़ उठाई कि आखिर ये एक्सपायरी डेट का दूध क्यों सर्व किया जा रहा है और उसके बाद अब जिला महिला चिकित्सालय में हड़कंप मचा हुआ है। बलिया का ये पूरा मामला है, जिला महिला अस्पताल की ये बड़ी लापरवाही का मामला है और इस लापरवाही के बाद चिकित्सकों में हड़कंप मचा हुआ है। तो बड़ी जानकारी है सोशल मीडिया पर, आपको बता दें कि ये वीडियो वायरल हुआ जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे जो दूध की एक्सपायरी डेट है वो निकल चुकी है और ऐसे में अब ये दूध लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है और वो भी अस्पताल में इस तरह के दूध का वितरण होना, जाहिर बात है कि अस्पताल प्रबंधन पर बड़े सवाल खड़े करता है। तो बलिया से तस्वीरें आई सामने जहां पर एक्सपायरी डेट का दूध यहां पर मरीजों को उपलब्ध करवाया जा रहा था, जिला महिला अस्पताल का ये वीडियो बताया जा रहा है और एक्सपायरी हो चुका ये दूध यहां पर मरीजों को उपलब्ध करवाया जा रहा था और इससे स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ सकता था, लेकिन बड़ी लापरवाही है और अभी जिम्मेदार इस पर फिलहाल कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, लेकिन ये मामला चूंकि उजागर हो चुका है, तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये वीडियो अस्पताल का और किस तरह से ये जो दूध का पैकेट है लोगों को दिया जा रहा था, मरीजों को दिया जा रहा था अस्पताल के अंदर, ये एक बड़ी लापरवाही है। आखिर इसको क्यों चेक नहीं किया गया और एक्सपायरी डेट का ये जो दूध है वो मरीजों तक आखिर कैसे पहुंचा? सीधे तौर पर अस्पताल प्रबंधन की इस पर एक बड़ी लापरवाही है, लेकिन अभी फिलहाल जिम्मेदार इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं, कतरा रहे हैं, कैमरे के सामने कुछ बोलने को तैयार है नहीं। तो जिला महिला अस्पताल में ही, लेकिन ये बड़ी लापरवाही हुई है और लोग अब इसको लेकर के आक्रोशित भी हैं कि आखिर स्वास्थ्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ उनके साथ क्यों हो रहा था। तो बलिया से तस्वीरें, बलिया का ये पूरा मामला, जिला महिला चिकित्सालय का जहां पर एक्सपायरी डेट का दूध मरीजों को दिया जा रहा था और उसके बाद ये पूरा मामला उजागर हुआ जब यहां का वीडियो वायरल हुआ जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से दूध का ये पैकेट है जिसमें बाकायदा एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, लेकिन वो डेट निकलने के बाद भी ये दूध यहाँ पर मरीजों को उपलब्ध करवाया जा रहा था, वो भी महिला चिकित्सालय के अंदर मरीजों को ये दूध दिया जा रहा था पीने के लिए, और आप समझिए कि कितना खतरनाक हो सकता है, कितना घातक हो सकता है। तो जिम्मेदार अभी फिलहाल अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी लापरवाही का ये मामला है बलिया में, जब महिला चिकित्सालय के अंदर इस तरह से एक्सपायरी डेट का ये दूध मरीजों को उपलब्ध करवाया जा रहा था। अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। अमित, एक्सपायरी डेट का दूध यहाँ पर जिला महिला चिकित्सालय में उपलब्ध करवाया जा रहा था, क्या कुछ पूरा मामला अपडेट करें? जी, जब बताते कि महिला चिकित्सालय में जब जो नवजात शिशु होने के बाद गर्भवती महिला, जो महिलाओं को दूध दिया जाता है, वितरित किया जाता है, जो खाने का सामान और दूध, उसमें जो दूध दिया जा रहा था वो एक्सपायरी का डेट 3-4 दिन ओवर हो गया था, वो जिसको लेकर जब प्रशासन में जानकारी हुई तो हड़कंप मच गया और इसकी सीएमएस ने जांच टीम को सौंप दी है और इसकी जांच करा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अमित इस बातचीत और जानकारी के लिए।